अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8, नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो आप पढ़ चुके हैं लास्ट टॉपिक में, स्पेसिफिक उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। हमने देखा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ 4200 जोल पर किलोग्राम पर केल्विन। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या है, जोल पर किलोग्राम पर केल्विन। एंड ड्राई सॉइल की हमारे पास हीट कैपेसिटी है 810 जोल पर किलोग्राम पर केल्विन। As a result of temperature of soil would increase 5 times more than the same mass of water by the same amount of heat. इस लाइन का मतलब ये है कि जो सॉइल का टेम्परेचर है वो 5 टाइम्स मोर देन वाटर इंक्रीज होता है, यानी कि जितनी हम हीट वाटर को देते हैं उतना ही मास जितना हम वाटर का है हमारे वाटर का है, अगर उतने ही मास के हमारे पास सॉइल हो और हम उतनी ही हीट उसको दे रहे हों तो उसका टेम्परेचर वाटर की निस्बत 5 गुना ज़्यादा हो जाता है। सच द टेम्परेचर ऑफ लैंड राइजेज एंड फॉल्स मोर रैपिडली देन डेट ऑफ द सी। टेम्परेचर यानी कि हमारे ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता और कम होता है बहुत जल्दी एज़ कम्पेयर टू सी समुंदर की नस्बत से। हैज़ द टेम्परेचर ऑफ वेरिएशन फ्राम समर टू विंटर आर मच स्मॉलर एट प्लेसेज नियर द सी देन लैंड फार अवे फ्राम द सी। यानी कि टेम्परेचर वेरिएशन फ्राम समर टू विंटर जो हमारी होती है, टेम्परेचर वेरिएट होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, वो कैसे होता है कि उनकी वेरिएशंस आती रहती हैं, जो जगह समुद्र के करीब हैं जो जगह समुद्र से दूर हैं, इन दोनों के टेम्परेचर में वेरिएशंस आती रहती हैं, एक की ज़्यादा होती है एक की कम होती है। जहाँ तक हमने ऊपर पढ़ा कि लैंड की यानी कि ज़मीन की समुद्र के निस्बत जल्दी यानी और ज़्यादा जल्दी तेज़ भी हो जाता है टेम्परेचर और कम भी हो जाता है। वाटर हैज़ अ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर की सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी होती है, फॉर दिस रीज़न इट इज़ वेरी यूजफुल इन स्टोरिंग एंड कैरिंग थर्मल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी लार्ज स्पेसिफिक हीट होती है, इसी वजह से हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं, हम उसकी थर्मल एनर्जी को कैरी यानी कि लेके भी जा सकते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से। द कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स यूजेस वाटर टू कैरी अवे अनवांटेड थर्मल एनर्जी। हमारे ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, जो हमारे जैसे हमारी गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनमें ये सिस्टम ऐसा होता है कि वो उसका कूलिंग सिस्टम ऐसा होता है जो कि पानी के जरिए थर्मल एनर्जी को दूसरी जगह लेके जाते हैं। इन एन ऑटोमोबाइल लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस बाय इट्स इंजन ड्यू टू विच इट्स टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग। जब गाड़ी यानी कार बस वगैरह इनके इंजन जब चलता है उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जब हीट प्रोड्यूस होती है और उनका टेम्परेचर उसका फिर बढ़ता जाता है। द इंजन वुड सीज अनलेस इट इज़ नॉट कूल डाउन वाटर सर्कुलेटिंग अराउंड द इंजन एज शोन। यानी कि आपने देखा कि वाटर जो है वो इंजन के इर्द गिर्द मूव कर रहा होता है ताकि वो जो वाटर है वो उसमें हीट प्रोड्यूस होने की वजह से टेम्परेचर जो ज़्यादा हो रहा है उसको कैरी कर सके, उसको वहाँ से हटा सके। ज़्यादा गर्म होने से आपको पता है चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इसी तरह इंजन भी ख़राब होने का खतरा होता है, इसलिए वहाँ उसमें पानी का सिस्टम बनाया जाता है कि पानी जो है वो हीट कैपेसिटी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। यही हमने बोला ना कि वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा हीट को स्टोर कर लेती है अपने में। इसी तरह जब इंजन गर्म हो जाते हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी हीट को वाटर अब्जॉर्ब कर लेता है। द इंजन वुड सीज कहाँ से हम हाँ जी देयर वाटर अब्जॉर्ब अनवांटेड थर्मल एनर्जी ऑफ द इंजन एंड डिसिपेट हीट थ्रू इट्स रेडिएटर। वाटर क्या करता है, उसकी थर्मल एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और डिसिपेट यानी कि ज़ाया कर देता है रेडिएटर के थ्रू। जैसे कि ये उन्होंने बनाया हुआ, ये बॉयलर बनाया हुआ जहाँ पर पानी गर्म हो रहा है, पानी वो जिसमें वो थर्मल एनर्जी आ रही है और जो वाटर जो है वो उस एनर्जी को लेके जा रहा है और यहाँ पे रेडिएटर के थ्रू उसको डिसिपेट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये टॉपिक जो आज पढ़ना है आगे हीट कैपेसिटी है। हाउ मच हीट अ बॉडी कैन अब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। यानी कि कितनी वो हीट जो है वो बॉडी अब्जॉर्ब करती है वो उसके फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हीट कैपेसिटी एक्चुअली में क्या आता है कि वो हीट, वो अमाउंट ऑफ हीट यानी वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ा देता है उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, जैसे एक हमारे पास बॉडी है जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी 1 केल्विन है, हम उसको हीट देते हैं, उस हीट के ज़रिए उसका 1 केल्विन टेम्परेचर पूरा और बढ़ जाता है और वो जो हीट हमने उसको दी है वो टेम्परेचर उसने दिया जिसकी वजह से उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ गया है, उस हीट को कहते हैं हीट कैपेसिटी। दस इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज थ्रू डेल्टा टी ऑन एडिंग डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट देन इट्स कैपेसिटी विल बी डेल्टा क्यू ओवर टी पुटिंग द वैल्यू। अब ये हमने क्या किया, अगर टेम्परेचर हमारे पास डेल्टा टी है और हीट हमारे पास डेल्टा क्यू है तो इसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। इस वैल्यू को हमने डेल्टा क्यू वी गेट हमें कैसे मिलेगा, हीट कैपेसिटी हमारे पास होता है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में पढ़ा है कि डेल्टा टी किसके बराबर होता है, एम सी डेल्टा टी। हमने पुट किया डेल्टा टी एंड डेल्टा टी कैंसल, पीछे हमारे पास क्या रह गया, एम सी।
इससे हमें हीट कैपेसिटी मिलती है. बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. फॉर एग्जांपल हीट कैपेसिटी ऑफ 5 kg. अगर हमने 5 kg ऑफ किलोग्राम ऑफ वाटर की हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है तो हमने इसके मास को और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारे पास आ जाएगा 21,000 जोल पर किलो पर केल्विन. तो ये हमारे पास वाटर की हीट कैपेसिटी है. इसी तरह डेट इज़ 5 kg ऑफ वाटर नीड्स 2100 जाउल्स ऑफ हीट फॉर एवरी 1 केल्विन. यानी कि 5 किलो पानी को 21,000 जोल की हीट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसका 1 केल्विन टेम्परेचर राइज हो जाएगा. थस लार्जर इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस लार्जर विल बी इट्स, यानी कि जितना भी सब्सटेंस ज़्यादा होगा उतनी ही हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी. समझो आप एक गिलास पानी को गर्म कर रहे हो, उसे बॉयल कर रहे हो, तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर आपका कम लगेगा. इसी तरह अगर आपके पास ज़्यादा पानी है, अबाउट 5 to 6 glasses, उसका पहली ग्लास एक ग्लास की निस्बत देर से होगा, उसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा, फिर जाके वो गर्म होगा. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट. मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. फॉर सच अ चेंज टू अकर थर्मल एनर्जी इज एडेड टू रिमूव फ्रॉम अ सब्सटेंस. मैटर को एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में बदल सकते हैं, उसके लिए हमने थर्मल एनर्जी को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं. जैसे कि ये सॉलिड है, सॉलिड को हम हीट देंगे, थर्मल एनर्जी देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, फिर उसको बॉयल करेंगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा. इसी तरह गैस को हम कंडेंसेट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा, और लिक्विड को हम फ्रीज करेंगे तो वो दोबारा से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा. ये थर्मल एनर्जी ऐड करने और रिमूव करने से हम इसकी स्टेट्स को चेंज कर सकें. सो आज का हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट. थैंक यू.